गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारा चल रहा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में हम पढ़ेंगे बायसिंग, ठीक है। जब ट्रांसफार्मर, ये हमारा जो सेमीकंडक्टर है, यानी कि सेमीकंडक्टर अगर उसे जोड़ने का तरीका है, ठीक है, जोड़ने के तरीके को बायसिंग कहते हैं। सेमीकंडक्टर है उसको क्या होता है कि उसे ईएमएफ की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने कहा था, एक पी टाइप है, ठीक, उसमें क्या है, होल्स है, खाली है, उसे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। और एक हमने उसके आसपास डोपिंग के द्वारा क्या कर दिया, एन प्रकार उसके पास है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉन को इस तरह से शो करता हूँ और हॉल को इस तरह से शो करता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके बीच में बनने वाले डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी, एन के पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पी के पास हॉल होते जाएंगे, ठीक है, खाली होते जाएंगे। अब इसके जो हॉल है, इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, कुछ ऊर्जा देनी पड़ेगी। अगर हमने इसके इलेक्ट्रॉन इधर लाने हैं, हॉल्स में कनेक्ट करवाने हैं, तो उसको जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बॉइसिंग। तो जैसे ईएमएफ, अगर मैं ईएमएफ सप्लाई है, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है, ये इस तरह से, इसे बोलते हैं पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज किसे कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो, उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और पॉजिटिव चार्ज उसे कहते हैं जब इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो उसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ये हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, ठीक है। सबसे पहले ये चीज याद रखोगे, ये याद रखोगे, ठीक है। यहाँ पे पी टाइप है, पी टाइप में क्या हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है ना। जैसे पी टाइप में क्या हो जाती है, पी टाइप में एक सिलिकॉन मिलाया जाता है और एक पी प्रकार का पदार्थ मिलाया जाता है, जैसे ट्राइवेलेंट मिलाया जाता है। तो चार और तीन क्यों क्या हो जाते हैं, बराबर सात हो जाते हैं। और बैलेंस जो एक कोई भी तत्व, उसे बैलेंस होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आठ इलेक्ट्रॉनों की जरूरत होती है। तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली बचता है। इस तरह से बहुत सारे सिलिकॉन और हमारा थ्री ट्राइवेलेंट की संरचना को अगर हम मिलाएंगे तो बहुत सारे परमाणु एटॉमिक बन जाएंगे। इस तरह से इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती जाएगी। यही प्रक्रिया एन टाइप में भी है, यही प्रक्रिया पी टाइप में भी है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की ज़्यादा दिखता है। अगर मैंने यहाँ के इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट करने हॉल में, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। इस बैरियर को बोलते हैं डिप्लेशन लेयर, ठीक है, डिप्लेशन लेयर, ठीक है। इसको तोड़ने के लिए अगर ये सिलिकॉन का होगा तो 0.7 ईवी की एनर्जी देनी पड़ेगी, ईएमएफ देना पड़ेगा। अगर ये जर्मनी का है, अगर जर्मनी के साथ मिला हुआ है, तो हमें कितना देना पड़ेगा, 1.1 ईवी, है ना, या 1.12 ईवी, ठीक है, 1.6 ईवी, ठीक है, इतना ईवी हमें देना पड़ेगा, तभी इसके इलेक्ट्रॉन इसमें कनेक्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बॉइसिंग होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, ये चीज़ समझिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। बॉइसिंग होती है दो प्रकार की, नंबर एक होती है रिवर्स बॉइस, रिवर्स बॉइस,
ठीक है, रिवर्स वॉइस, और दूसरी होती है हमारी फॉरवर्ड वॉइस। फॉरवर्ड वॉइस, रिवर्स वॉइस कौन सी होती है, जब हम एन प्रकार में नेगेटिव को जोड़ते हैं, और पॉजिटिव को पी से जोड़ते हैं, पॉजिटिव को पी से जोड़ते हैं, तब वो उसे बोलते हैं रिवर्स वॉइस। जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ, ये है हमारा पी और ये है एन। अब इस लाइन को ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, मैंने क्या कहा, जब हम एन प्रकार को नेगेटिव से जोड़ते हैं, एन प्रकार को मैंने क्या कर रहा, नेगेटिव होता छोटा और पॉजिटिव होता है बड़ा, जैसे मैंने अभी बनाया था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। दूसरा होता है पॉजिटिव को हम पी से जोड़ते हैं, तो पॉजिटिव को मैंने पी से जोड़ दिया, नेगेटिव को एन से जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या होगा जब हम पी प्रकार को परिकलन पॉजिटिव से जोड़ते हैं, ठीक है, गलत लग गया, पॉजिटिव और इसको नेगेटिव से जोड़ते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे मैंने क्या कहा था, जो नेगेटिव है उसके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, और पॉजिटिव में क्या है, कमी है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे इसके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा है, जो इसके इलेक्ट्रॉन है वो इधर नहीं जाने की क्या नहीं क्या किधर चले जाएंगे, इसके इस तरफ चलते जाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे बढ़ते जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ठीक है, इसके ये में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ऐसे ही इसमें क्या होगा, इसमें क्या है, कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो यहाँ पे क्या अधिकता है, तो यहाँ पे भी क्या होता जाएगा, ये इसके इलेक्ट्रॉन इधर को मूव होते जाएंगे, मूव होते जाएंगे। ठीक है, एक बात और बता दूँ, जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो हमारे फिजिकली खींच सकते हैं, फिजिकली क्या करते हैं, मूव होते हैं। ठीक है, मूव यानी खिसकना। ठीक है, और जो हमारे होल्स होते हैं वो वर्चुअली ठीक है वर्चुअली खिसकते हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जो इलेक्ट्रॉन है वो फिजिकली खिसक मूव होते हैं और होल हमारे वर्चुअली सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते जाएंगे, खिसकते जाएंगे और रिक्तियां भरती जाएंगी, कारण जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है वो उसको देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन का दिखता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे होगा, इसे बोलते हैं रिवर्स वॉइस। ऐसे होती है हमारी फॉरवर्ड वॉइस। फॉरवर्ड वॉइस क्या होगी, इसके विपरीत क्या होगा, जब हम एन प्रकार को हमने क्या कर दिया, नेगेटिव से जोड़ दिया। ठीक है, और पी प्रकार को हम क्या कर देंगे, जब हम क्या करते हैं, एन प्रकार को इसमें जोड़ते हैं, नेगेटिव से जोड़ते हैं, और पी प्रकार को अगर हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं उसे बोलते हैं फॉरवर्ड वॉइस। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन नेगेटिव और पी पॉजिटिव। ठीक है, अब मैं यहाँ जोड़ के भी दिखाता हूँ, ये हो गया हमारा पी एन संधि डायोड। ठीक है, पी एन संधि, ये पी है और ये क्या है, एन। अब मैं एन को नेगेटिव से जोड़ दूंगा, नेगेटिव ई एम से जोड़ दूंगा, नेगेटिव का बड़ा होता है छोटा होता है। ठीक है, पॉजिटिव हमारा बड़ा होता है। ठीक है, अब मैं पी को क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव से जोड़ रहा हूँ और नेगेटिव को इससे जोड़ रहा हूँ। अब यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है, यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, अब ये क्या होते जाएंगे, इधर इसके इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, क्योंकि इसका ईएमएफ क्या होगा, ज़्यादा मान लो 5 ईवी। ठीक है, यहाँ पे
मान लो जीरो ही है ना, नॉर्मल टेम्परेचर पर है ना, नॉर्मल तापमान पर क्या होगा इसका यू जीरो होगा है ना, वो खिसकना इसकी करता थे उसकी कुछ एनर्जी होगी। अब ये इसकी इलेक्ट्रॉन इसमें भरते जाएंगे, यहाँ पे क्या होते जाएंगे भरते जाएंगे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये इकट्ठे होते जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्या होते जाएंगे इकट्ठे होते जाएंगे, और पॉजिटिव भी यहाँ पे और इकट्ठे होते जाएंगे। अब इसका बैरियर टूटने के लिए यानी इसको पार करने के लिए यानी इससे इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ ईएमएफ क्या करेगा इसको खर्च करेगा, वो कितना, अगर सिलिकॉन का तो 0.7 ईवी है ना सिलिकॉन का, अगर जर्मनी का है जर्मनी का तो 0.1 है ना 0.1 ईवी क्या करना पड़ेगा खर्च होगा। तो अब इसमें क्या होता जाएगा, ये इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो होता जाएगा, और जैसे हमें पता है जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉनों के विपरीत होती है ना, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ होंगे तो हमारी विद्युत धारा किस तरफ होगी, विद्युत धारा की दिशा हमारी इस तरफ होगी, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के विपरीत क्या होती है हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो ये इलेक्ट्रॉन नीचे को होगी तो विद्युत धारा की दिशा कहाँ होगी, ऊपर होगी, और इसमें क्या होगी विद्युत धारा की दिशा इधर होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेगी, अब यहाँ पे इसका बैरियर नहीं टूटेगा, इसमें क्या हो जाएगा बैरियर बड़ा होता जाएगा, डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और इसमें डिप्लेशन लेयर घट जाएगी, ठीक है। अगर पूछा जाए कि डायोड को यानी पीएन जंक्शन को अगर फॉरवर्ड में वॉइस में जोड़े तो उसकी डिप्लेशन लेयर क्या होती है छोटी होती है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो फिजिकली खींच सकते हैं, होल हमारे वर्चुअली खींच सकते हैं, और जो सिलिकॉन है अगर सिलिकॉन का डायोड बनाए अगर सिलिकॉन की मात्रा मिलाई गई है तो 0.7 ईवी खर्च करेगा, ठीक है। अगर 0.7 ईवी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं सर्किट के माध्यम से समझाता हूँ। सर्किट के माध्यम से मान लो यहाँ पर कोई ईएमएफ हमने क्या कर दिया जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस जोड़ दिया, यहाँ पर हमने क्या कर दिया डायोड जोड़ दिया, ये डायोड जोड़ दिया, ठीक है। अब ये क्या कर देगा, जैसे हमने यहाँ से ये यहाँ पे हमने 5 वोल्ट का अप्लाई किया, ठीक है, अगर 5 वोल्ट हमने अप्लाई किया है तो यहाँ पे 0.7 ईवी खर्च करेगा, इस रेजिस्टेंस को कितना मिलेगा 0.7 अगर मैं माइनस करूँगा तो 4.3 ईवी क्या होगा इस रेजिस्टेंस को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से इसका वर्क होता है, वो किसके काम आता है हमारा, इसे डायोड कहते हैं, ये हमारे एसी करंट को डीसी में परिवर्तन करने में, ठीक है। तो एसी टू डीसी को इसको हम अगले सेशन में समझेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा।